हेलो स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं सीबीएसई आईएससी और सभी बोर्ड्स के लिए बच्चों सीबीएसई 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है जल्दी से पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ वन एटी माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है फाइंड द चार्ज ऑन द स्पीयर सेकेंड पार्ट में पूछा गया है वट इज द टोटल फ्लक्स लिविंग द सर्फेस ऑफ द स्पीयर बच्चों वन बाय वन हम दोनों पार्ट्स को अटेम्प्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं मैं यहां पर एक दिया हुआ है जिसकी डायमीटर है, और उसकी है 180 पर जिसको हमने पर में कन्वर्ट किया अब यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया बच्चों माइनस सिक्स है तो ये यह यहाँ पर कुलम पर मीटर स्क्वायर में बच्चों कन्वर्ट हो गया है राइट सो हमें यहाँ पर यह देखना है कि भाई कितना चार्ज होगा इस स्फीयर पर सो बच्चो हमें पता है कि चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया में क्या रिलेशन होता है यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा का फॉर्मुला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया यानी यहाँ पर स्फीयर का एरिया क्या है और इस स्फीयर पर चार्ज क्या है सो हमें यहाँ पर सिग्मा दिया हुआ है और एयर हम यहाँ एरिया हम यहाँ पर निकाल लेंगे बच्चों एरिया कितना होगा फोर पाई आर स्क्वायर क्योंकि स्फीयर है स्फीयर का एरिया होता है फोर पाई आर स्क्वायर सो बच्चों चार्ज का फॉर्मूला हमें मिलेगा सिग्मा ए और सिग्मा यहां पर गिवन है पर मीटर स्क्वायर एरिया हो गया बच्चों फोर पाई आर स्क्वायर आर की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर वन पॉइंट टू क्योंकि डायमीटर दिया है टू पॉइंट फोर मीटर सो रेडियस हो जाएगी वन पॉइंट टू मीटर बच्चों द वैल्यूज गेट वन एटी इंटू टेन रे सो पॉवर माइनस सिक्स इंटू फोर इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू वन पॉइंट टू का स्क्वायर बच्चों अगर आप वन वन एटी फोर थ्री पॉइंट वन फोर और वन पॉइंट टू स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी थ्री टू फाइव फाइव पॉइंट फाइव और टेन रिस्पो पावर माइनस सिक्स हमने नेगेटिव रखा इसको हमें कन्वर्ट करना होगा बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब थ्री यानी पहले नॉन जीरो डिजिट यानी थ्री के बाद हम पॉइंट को प्लेस करेंगे बच्चों सो इट बिकम्स थ्री पॉइंट टू और ये टेन टू पावर माइनस सिक्स हो जाएगा टेन टू पावर माइनस थ्री सो चार्ज ऑन स्फीयर हमें मिला बच्चों थ्री पॉइंट टू फाइव टेन पावर माइनस थ्री कोलम बच्चों सेकेंड पार्ट में पूछा गया है टोटल फ्लक्स लिविंग द सर्फेस ऑफ द स्फीयर सो फॉर थर्पज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स लिविंग द सर्फेस ऑफ द स्फीयर हम यहाँ पर एक इमेजिन करेंगे स्फेरिकल गोशन सर्फेस यानी हम ये मानेंगे कि स्फेरिकल गोशन सर्फेस है इमेजनरी सर्फेस है जिसने इस स्फीयर को एनक्लोज किया हुआ है ताकि हम यहाँ पर गोशरम को अप्लाई कर सकें स्टूडेंट्स अब यहां से इस इमेजनरी सर्फेस से कितना फ्लक्स यहाँ से लीव करेगा आउटसाइड यानी बाहर की तरफ पास करेगा उतना ही करेगा जितना कि स्फीयर से ओरिजिनेट हो रहा होगा इस स्फीयर से लीव कर रहा होगा सो so बच्चों गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस सरफेस से फ्लक्स लीव करेगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है अपॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द स्फीयर सो so, बच्चों जो यहाँ पर सराउंडिंग मीडियम की परमिटिविटी है वो क्या होगी एप्सलेंट नॉट होगी क्योंकि यहाँ पर मीडियम है एयर राइट सो टोटल चार्ज क्या हमने किया था थ्री पॉइंट फाइव थ्री इंटू टेन रेस पावर माइनस थ्री कुलम और बच्चों एप्सिलेंट नॉट की वैल्यू होती है एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन रेसो पावर माइनस ट्वेल्व टेन रेस पावर माइनस ट्वेल्व बच्चों इसको हम सॉल्व अगर करते हैं टेन की पावर माइनस ट्वेल्व को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी इन दोनों को सॉल्व करेंगे सो हमें वैल्यू मिलेगी बच्चों टेन रेज पावर नाइन स्टूडेंट्स अगर हम 3.53 को 8.85 से डिवाइड करते हैं वैल्यू मिलती है 0.39 अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं यानी पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डीज के बाद लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3.9 और मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाएगी टेन रेसो पावर एट सो इस तरीके से हमें फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी बच्चों थ्री पॉइंट नाइन इंटू टेन रेसो पावर एट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद